आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई। जी हाँ, 4800 किलो की देग, और जिसमें बनाया जाता है अजमेर शरीफ दरगाह का लंगर। और ये मेरी गारंटी है आपसे, इस तरीके से आपने कभी कुछ बनते हुए नहीं देखा होगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर लंगर। तो गाइस, सबसे पहले देग को खाली किया जा रहा है, क्योंकि दिन में जो मेहमान आते हैं वो यहाँ पर अपनी श्रद्धा से चावल चढ़ाते हैं, दाल चढ़ाते हैं, रुपए चढ़ाते हैं। तो रुपए पहले से निकाल लिए गए हैं, लेकिन अब चावल और दाल जो बची थी उसको निकाला जा रहा है। और ठीक देग के सामने आपको दिखाई दे रही होगी अजमेर शरीफ दरगाह। तो गाइस, सबसे पहले देग के अंदर पानी चला दिया गया है, और यहाँ बनने वाले हैं जाफरानी राइस, जिसको सुबह प्रसाद के तौर पर लोगों में बांटा जाएगा। और गाइस, ये देखिए, फूलों की माला से सजाया जा रहा है अब देग को, और अब देग के चारों ओर लगाया जा रहा है चंदन का लेप। और गाइस, ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है 440 साल से, बादशाह अकबर के टाइम से। तो गाइस, देग में प्रसाद बनाने के लिए पहले चूल्हा जलाया जाएगा, उसके लिए आग जला ली गई है, और देखिए पूरा का पूरा इंसान चूल्हे के अंदर जा चुका है। तो गाइस, चूल्हे का साइज है एक कमरे के जितना, जैसे कि आप देख सकते हैं आग जल चुकी है अच्छे से। तो अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो गाइस, पानी अब भर चुका है, और इसके अंदर अब डाली जा रही है हल्दी। और हल्दी का साइज देखिए, कितने बड़े पैकेट में हल्दी डाली जा रही है। तो गाइस, जैसे हम एक चम्मच हल्दी में खाना बनाते हैं, उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि कढ़ाई इतनी बड़ी है, इसके अंदर हल्दी भी काफी सारी डाली जा रही है। तो गाइस, हल्दी के बाद डाली जा रही है इसके अंदर मैदा। तो मैदा यहाँ पर डल चुकी है और हल्दी डल चुकी है, अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाया जाएगा। तो गाइस, हल्दी हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब इसके अंदर जाएगा पलटना। तो पलटने का साइज देख सकते हैं गाइस, कितना बड़ा साइज है, दो लोग मिलके इसको देख के अंदर डाल रहे हैं। और गाइस, ये देखिए, इसमें शक्कर डाली जा रही है। तो जो लोग यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो देग में प्रसाद बनवाते हैं लोगों के लिए। और गाइस, अब देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में चीनी डाली जा रही है देग के अंदर, मतलब पूरा का पूरा कट्टा खाली कर दिया इन्होंने देग के अंदर, और एक और कट्टा डाला जा रहा है चीनी का। तो गाइस, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जा रहा है प्रसाद। और अब इसको अच्छे से चलाया जाएगा पलटने की मदद से। और गाइस, अभी भी इसमें चीनी डाली जा रही है, मतलब कितनी सारी क्वांटिटी में चीनी डाली जाती है। और देखिए, पलटने को चलाने के लिए भी चार पांच लोगों की जरूरत पड़ रही है, दो लोग इधर से खींच रहे हैं और दो लोग उधर से चला रहे हैं। तो गाइस, अब चीनी के बाद डाला जा रहा है इसके अंदर देसी घी। तो देसी घी एक दो चम्मच नहीं डाला जा रहा है, इसके अंदर डाला जा रहा है पूरा का पूरा कनस्तर। और देखिए गाइस, कनस्तर दिखने में कितना छोटा लग रहा है, जैसे बटर की छोटी सी टिक्की हो। तो गाइस, घी इसमें डल चुका है, और देख को कम से कम एक घंटा हो चुका है आंच लगते हुए। और ये देखिए कितनी मेहनत से लेकर आ रहे हैं चावल को ऊपर तक। और जैसे कि आप जानते हैं 4800 किलो की देग है ये, तो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते होंगे यहाँ पर चावल। तो गाइस देखिए, अब चावल डाले जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं खादिम या खादिम के परिवार के लोग पहले डालते हैं। और ये देखिए, पूरा का पूरा कट्टा खाली कर दिया इन्होंने देख के अंदर। और गाइस, एक कट्टे से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे बहुत सारे चावल डालने वाला है। तो ये देखिए, दूसरा कट्टा खाली कर दिया इन्होंने, और ये खूब सारे चावल डाले जा रहे हैं इसके अंदर। ये तीसरा खाली कर दिया इन्होंने, और इसी तरीके से कम 40-50 कट्टे इसमें चावल के डलते हैं। तो गाइस, जो लोग यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, अगर उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो यहाँ पे ये प्रसाद बनाया जाता है उन लोगों की तरफ से। तो जितनी क्वांटिटी में वो बनवाना चाहते हैं, उतनी क्वांटिटी में बनाया जाता है प्रसाद। तो गाइस, खूब सारा चावल इसमें डल चुका है, अब इस चावल को अच्छे से चलाया जाएगा। और गाइस, अब देखिए चावलों में कलर डाला जा रहा है, और ये सारा कलर इसमें अच्छे से मिक्स किया जाएगा। और गाइस, ये जो आपको सामने टिक्की दिखाई दे रही है, ये पूरा एक कनस्तर घी है। और देखिए गाइस, अब पलटे की हेल्प से इसको अच्छे से चलाया जा रहा है। तो गाइस, भाप को देख के आप पता लगा सकते हैं कितनी ज्यादा आंच में ये देख को पकाया जा रहा है। तो गाइस, अब प्रसाद के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले जाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने छुहारे डाल दिए, और क्वांटिटी देखिए कितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये डाले जा रहे हैं। और गाइस, इसी तरीके से इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसके अंदर काजू डाले जा रहे हैं। तो गाइस, 4-5 पैकेट काजू के इसके अंदर डाले जा चुके हैं, और काजू के बाद इसके अंदर डाले जा रहे हैं किशमिश। तो गाइस, देख का साइज आसपास के लोगों को देख के आप पता लगा सकते हैं, मतलब लोग देख के सामने बहुत ज्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, अब डाल दिए गए हैं इसमें थोड़े से बादाम। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितने सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, अब इसको थोड़ी देर पकाया जाएगा। तो गाइस, प्रसाद के ऊपर एक परत आ चुकी है, इसको पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, और अब इसके अंदर जाएगा घी। तो घी भी थोड़ा बहुत नहीं, फिर से एक कनस्तर डाला जा रहा है। तो गाइस देखिए, एक कनस्तर घी डाला जा चुका है इसके अंदर, और अब इसको फिर से चावलों के अंदर अच्छे से मिक्स किया जाएगा। तो गाइस, अब देखिए, फिर से पलटने की हेल्प से इसको अच्छे से चलाया जाएगा, सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाएगा। तो गाइस, ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है चावलों को पकते हुए, तो हमारा प्रसाद ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और गाइस, आप देख सकते हैं 4-4 लोग मिलके इसको चला रहे हैं, तो कितनी मेहनत लगती है प्रसाद को बनाने में।
तो गाइस प्रसाद हमारा रेडी हो चुका है, अब पलटने को बाहर निकाला जा रहा है। तो आप गाइस देख सकते हैं कम से कम 25-30 फीट का ये पलटना है। तो गाइस प्रसाद हमारा देख के अंदर बनकर रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस प्रसाद को बाहर निकाला जाएगा। तो गाइस देख के अंदर अब सीढ़ी लगा दी गई है और आप पहली बार देख रहे होंगे कि कढ़ाई के अंदर कोई इंसान उतर रहा है। तो गाइस अगर आपने ऐसा कोई कढ़ाई देखी है, ऐसा कोई भी बर्तन देखा है जिसके अंदर इंसान उतर सकता हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अब प्रसाद को निकालने के लिए बाल्टी ले ली गई है, तो बाल्टी से प्रसाद अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। तो गाइस प्रसाद को बाहर निकालने के लिए भी काफी टाइम लग जाता है। और गाइस आप देख सकते हैं अभी ये भैया प्रसाद के अंदर उतर चुके हैं, मतलब प्रसाद के अंदर पैर रखे हुए इन्होंने। मतलब मुझे थोड़ा देखने में ये अटपटा लगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस यहाँ से प्रसाद को डाला जा रहा है ड्रम के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ड्रम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से प्रसाद दिया जाएगा लोगों को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ड्रम दिखाई दे रहे हैं, तो ये पूरे फुल हो जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं 4 ड्रम भर चुके हैं और सीढ़ियों पे भी कितना ज्यादा प्रसाद नीचे गिरा हुआ है, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।